Hello students, now I am going to start with the new chapter, chapter 8, how do organisms reproduce. But before dealing with the this question that how do organisms reproduce, I would like to ask one question that why do organisms reproduce? क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच पेरेंट ऑर्गेनिज्म इट गिव्स राइज टू द बर्थ, इट गिव्स राइज टू द न्यू ऑफस्प्रिंग, बर्थ टू द न्यू ऑफस्प्रिंग्स. सो लेकिन रिप्रोडक्शन ऐसे एसेंशियल प्रोसेस नहीं है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है ना. बिना रिप्रोडक्शन के भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, जैसे कि स्टराइल ह्यूमन कपल हो गया, हनी बी है, आपने देखा है मेल हनी बी, और उसके अलावा म्यूल है, हिनी है. सो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बट स्टिल दे आर सर्वाइविंग. क्यों? क्योंकि सर्वाइवल के लिए जो एसेंशियल फीचर्स होते हैं, द एसेंशियल कैरेक्टर्स होते हैं, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, दैट इज द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, दीज आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी. तो फिर जब सर्वाइवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं तो फिर रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत है ना. सो द क्वेश्चन इज व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? अच्छा आप ये बताओ कि जैसे किसी जगह पे आप किसी स्पीसीज को देते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को देखते हो, और उसके अगर बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं विच रिप्रेजेंट अ स्पीसीज, तो हमें उससे क्या होता है, किसी एक स्पीसीज के बारे में पता चलता है. मान लो किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है जो कि नॉन रिप्रोड्यूसिंग है, तो क्या होगा? हर एक इंडिविजुअल की एक सर्टेन एज लिमिट होती है ना, लाइफ स्पैन होता है, आफ्टर दैट दैट इंडिविजुअल विल डाई. तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? We cannot identify, we cannot witness the same species or the same individual further, है ना. तो इसीलिए why do organisms need to reproduce? For the continuance of the life. इस अर्थ पे for the continuance of the species, for the continuance of the life, reproduction is very essential process. Reproduction वो process होता है जिससे कि पेरेंट ऑफ स्प्रिंग्स दे विल गिव राइज टू द न्यू पेरेंट ऑर्गेनिजम्स, दे विल गिव राइज टू द न्यू ऑफ स्प्रिंग्स, दे विल गिव राइज टू द डॉटर सेल्स. सो जो रिप्रोडक्शन इट इज वेरी एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ ऑन द अर्थ. सो इसका आंसर क्या होगा? वेयर डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? टू मेंटेन द लाइफ ऑन अर्थ. कितना खूबसूरत अर्थ है, आपने देखा है ना, डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, डिफरेंट टाइप के क्रिएचर्स प्रेजेंट हैं. तो इन सबको एंजॉय, ये सारे इन सबको मेंटेन करने के लिए दे ऑल नीड द रिप्रोडक्शन. क्यों? टू मेंटेन देयर कंटिन्यूएंस, कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, राइट. अब रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, हाउ विल यू डिफाइन द रिप्रोडक्शन? तो कई बार क्या होता है, देयर आर रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल प्रोसेस ऑफ द लाइफ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कंटिन्यूटी ऑफ देयर लाइफ ऑन द अर्थ, बट इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ, डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग बींग. डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं? डिफाइनिंग फीचर वो फीचर्स होते हैं विच आर ओनली प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच आर एबसेंट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. तो आप रिप्रोडक्शन को देखे होंगे कि देर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन रिप्रोड्यूस, विच आर सर्वाइविंग बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. जैसे मैंने बताया था स्टराइल ह्यूमन कपल, हनी बी एंड सो ऑन. सो व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म by which parent individual, by which parent organisms give rise to offsprings
सिमिलर टू देम. ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर पर्पज हम पूछते हैं, सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन. पहला तो आपको पता ही है, द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट इज द परपिचुएशन ऑफ द स्पीसीज. ठीक है, रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करते हैं अपने को, अपनी स्पीसीज का परपिचुएशन करते हैं. तो द फर्स्ट पर्पज इज मल्टीप्लीकेशन एंड परपिचुएशन ऑफ द स्पीसीज. ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन इज इट प्रोवाइड्स ग्रुप इमॉर्टेलिटी बाय रिप्लेसिंग द इंडिविजुअल्स विद द न्यू वंस. ठीक है, तो दूसरा पर्पज क्या होगा, इट प्रोवाइड्स ग्रुप इमॉर्टेलिटी बाय रिप्लेसिंग the organisms with their new ones. ठीक है, जो नए offspring produce होंगे उनसे. तो इस तरह से क्या होगा कि by the process of reproduction किसी species का भी जो है पूरी तरीके से अर्थ से खात्मा नहीं होगा, कोई स्पीसीज पूरी तरीके से अर्थ से extinct नहीं होगी. But yes, there are certain species which are नाउ एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ, है ना, जो कि हम आगे जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे उसमें है ये चीज. देन वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर दोज स्पीसीज विच आर एक्सटिंक्ट, विच आर नाउ एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ. सो दीज आर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज देयर दैट डू organisms create exact copies of themselves. अब हमें रिप्रोडक्शन से तो ये तो पता चल गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है. लेकिन अब यह है कि जो भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जो भी पेरेंट जो अपने न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, क्या उसके ऑफस्प्रिंग एकदम exactly are they like their parents? Not always. ठीक है, yes it occurs in some organisms like the unicellular organism where in those organism or in those cells where the cell or the organism they are dividing by the process, by the division, that is the mitosis. Mitosis is a type of division जिसमें कि क्या होगा, जो the material which contains their genetic information, it divides equally and exactly into two daughter cells, into two DNA or the two chromosomes, ठीक है, and then distributed to two daughter cells. तो उस केस में जब माइटोसिस से डिविजन होता है, माइटोसिस डिविजन के थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है या कोई सेल डिवाइड करता है, then they will produce the exact copies of themselves. बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर तो डिवाइड बाय मायोसिस डिवीजन, जहां पे क्या होता है, देयर अकर्स द क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक, देयर अकर्स द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. तो उसमें क्या होगा, देयर विल बी स्लाइट वेरिएशन. जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जो माँ बाप जो बच्चे पैदा होते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, दे आर स्लाइट डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स ड्यू टू द वेरिएशन, ड्यू टू द जेनेटिक एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल, ड्यू द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटीरियल, राइट. So, the question, do organisms create exact copies of themselves? Yes, it occurs in, yes, in case of organisms or cells which divide by mitotic division. माइटोटिक डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इक्वली एंड एग्जैक्टली डिवाइड होता है
दो मतलब एक सिंगल जेनेटिक मटेरियल विल डिवाइड टू टू जेनेटिक मटेरियल. एक सिंगल क्रोमोजोम है तो वो दो क्रोमोजोम बनाएगा जिसमें कि क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल विल बी द एग्जैक्टली सेम एज डेट ऑफ द पेरेंट सेल. राइट. अब जो है व्हाट इज द थिंग, वो कौन सी चीज है जिसके चलते जो इंफॉर्मेशन है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंट्स में मौजूद हैं वो बच्चों में भी सिमिलरली एग्जैक्टली जाती है. व्हाट इज द थिंग विच ट्रांसमिट्स द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. दीज आर द क्रोमोसोम्स. दीज आर द जेनेटिक मटीरियल्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड में सेल जब पढ़ा था तब आपने पढ़ा होगा कि सेल जो होता है इट हर सेल बॉडी का हर एक सेल इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है. और उस न्यूक्लियस में क्या होता है, कुछ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज क्रोमोजोम. सपोज दिस इज अ सेल, इट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इनसाइड दिस न्यूक्लियस अ जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट विच इज नोन एज क्रोमोजोम. ये जो है क्रोमोजोम्स होते हैं. क्रोमोजोम्स में क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. क्रोमोजोम्स में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. ठीक है. अब नाउ दिस डीएनए हैज द एबिलिटी टू सिंथेसाइज दिस डीएनए हैज द इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज द प्रोटीन. राइट. इस डीएनए में क्या होता है, इट हैज द एबिलिटी और इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि देयर आर द जितना भी मतलब चेंज होगा, जितने भी प्रोटीन, दीज आर द प्रोटीन्स विच सिंथेसाइज द बॉडी डिजाइन. ठीक है. प्रोटीन्स जो होते हैं ये बॉडी डिजाइन को सिंथेसाइज करते हैं. अब अगर प्रोटीन डिफरेंट होगा तो क्या होगा, बॉडी डिजाइन जो है दैट विल बी डिफरेंट. अगर प्रोटीन सेम होगा तो दे विल द बॉडी डिजाइन विल बी द सेम. तो इसीलिए जो माइटोटिक डिवीजन से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, डिवीजन जिनमें या जिन सेल्स में माइटोटिक डिवीजन होता है, तो उनमें क्या होगा, जो पेरेंट सेल के जो डीएनए है और जो ऑफस्प्रिंग के डीएनए है, दे हैव द सिमिलर टाइप ऑफ द जेनेटिक मटीरियल डीएनए. तो सिमिलर टाइप ऑफ डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस विल बी देयर. तो क्या होगा, देयर डिजाइन बॉडी डिजाइन विल बी ऑफ द सिमिलर टाइप. ठीक है. तो दिस इज हाउ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. नाउ दिस क्रोमोसोम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स और फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग पेरेंट सेल टू द ऑफस्प्रिंग सेल्स. ठीक है. जेनेटिक क्रोमोसोम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. और जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होता है, डीएनए के फॉर्म में होता है. डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. अगर सिमिलर प्रोटीन है, सिमिलर डीएनए है, तो क्या होगा, सिमिलर प्रोटीन सिंथेसिस होगी और इट विल फॉर्म द सिमिलर कॉपीज ऑफ द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द ऑफस्प्रिंग एज डेट ऑफ द पेरेंट सेल. अब मैंने बताया कि देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म विच कैन डिवाइड विच कैन प्रोड्यूस द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट सेल. दीज आर एग्जाम्पल द यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स. ये होता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में. ठीक है. यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स जनरली दे डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन एंड दे प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज. बट देर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट प्रोड्यूस द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स बिकॉज
ठीक है. तो पहले हम यहां लिखेंगे कि why such organism, why these organisms which are divided by which are produced which produce the exact copies because they are divided by mitotic division. But there are certain organisms, you can say many organisms, but most of the organisms divide by meiotic division. ठीक है. So the which results in slightly different offspring as that of the parents. So offsprings will show variation. अब जब offsprings जो है पेरेंट सेल से डिफरेंट होंगे तो ये क्या करेंगे, क्यों डिफरेंस होंगे, डिफरेंट होंगे बिकॉज दे विल शो वेरिएशन. वाई मियोसिस डिविजन में क्या होता है, देयर अकर्स पर्टिकुलर स्टेप दैट इज नोन एज द क्रॉसिंग ओवर. वाई दिस वेरिएशन अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर. ये वेरिएशन क्यों होता है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ द मियोसिस. सेल डिविजन आपको थोड़ा सा हमने नाइन्थ में कुछ स्टेप्स हमने सेल डिविजन के एकदम थोड़ा सा सेल डिविजन के बारे में हमने पढ़ा है, उसमें डिफरेंट स्टेजेस बताए हैं. तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है प्रोफेज में होता है, उस दौरान क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ what happens in the crossing over, exchange of genetic materials takes place between two chromosomes. दो क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, विच कॉजेज द वेरिएशन. ठीक है, विच रिजल्ट इन द वेरिएशन. This crossing over is absent in mitotic division. इसमें क्या है, mitotic division में crossing over नहीं होता. So these are the reason. Now you can understand now कि कौन से organism होते हैं जो कि अपनी exact copies बनाते हैं. Those organism which are produced by the mitotic division and the organism which are produced by meiotic division, they produce the offsprings which are slightly different from them and they show the variation. Now the importance of variation, जैसे मैंने बताया कि जो organisms meiosis division से reproduce करते हैं, के help से reproduce करते हैं, उनमें वेरिएशन होता है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर. ठीक है. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन. पहले तो वेरिएशन होगा कैसे, कैसे होता है वेरिएशन, कब होता है, जब डीएनए कॉपिंग इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट इन द रिप्रोडक्शन. व्हेन वेरिएशन अकर्स, वेरिएशन अकर्स व्हेन DNA copying is not perfectly accurate in the reproduction. ठीक है. तो क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन वेरिएशन इन पॉपुलेशन फॉर बेटर, एंड दिस रिजल्ट इन द पॉपुलेशन फॉर बेटर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज. दिस वेरिएशन इट विल गिव राइज द बेटर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज इन अ पॉपुलेशन. ठीक है, ये क्यों होगा ये मैं बताती हूं. एंड दिस रिजल्ट इन बेटर survival of a species in a population. ठीक है.
किसी पॉपुलेशन में, किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल में ये हेल्प करता है. तो बेसिकली जो वेरिएशन होता है ना, इट इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन. वेरिएशन ऑल्सो फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन. वेरिएशन क्या होता है ये, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि कुछ जो स्लाइट चेंज आएगा ऑर्गेनिज्म में, जो नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनमें जो चेंज आएगा अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, तो दैट चेंज विल हेल्प देम टू सर्वाइव इन द एडवर्स सिचुएशन. सपोज कोई इकोलॉजिकल नीश है, व्हाट इज द नीश, इकोलॉजिकल नीश, बेसिकल नीश और द इकोलॉजिकल नीश इज द स्पेसिफिक एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म इनहैबिट्स. इट इज अ स्पेसिफिक एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म इनहैबिट्स. तो मान लो किसी इकोलॉजिकल नीश, किसी एरिया में कोई एक पर्टिकुलर टाइप के स्पीसीज रह रहे हैं, राइट? कोई पर्टिकुलर टाइप का स्पीसीज का पॉपुलेशन है. अब उसमें सडनली क्या हुआ कि सपोज टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, वाटर लेवल वेरी करा, या मीटियोराइट्स हिट हुआ, तो क्या होगा अगर वेरिएशन के चलते ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल उनके अंदर कुछ चेंज आया होगा, जो ऑर्गेनिज्म टोटल किसी पर्टिकुलर एरिया में, सपोज ये दिस इज एन एरिया वेयर मेनी ऑर्गेनिजम्स आर सर्वाइविंग, ठीक है, इनमें से किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंज आया है, जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज आया. सपोज दीज आर द ऑर्गेनिज्म जिनको मैंने प्लस से मार्क किया है, दे हैव गॉट सम चेंज इन देयर जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स. दैट चेंज की मतलब अगर टेम्परेचर राइज हुआ, अब क्या होता है हाई टेम्परेचर हुआ उस एनवायरमेंट, उस इकोसिस्टम का टेम्परेचर, मान लो पहले 20 एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहता था और वो राइज होकर के 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, तो जो ऑर्गेनिज्म सडन राइज होगा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो जनरली दे आर एडेप्टेड फॉर द लो टेम्परेचर, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे ही वो सर्वाइव कर सकते हैं. अचानक से टेम्परेचर राइज होगा तो दे कैन नॉट सर्वाइव. तो अगर किसी नीश में, स्पीसीज में वेरिएशन नहीं होगा तो क्या होगा, कभी कोई क्लाइमेटिक चेंज हुआ, सडनली चेंज हुआ टेम्परेचर में, तो सारी की सारी स्पीसीज वहां पर खत्म हो जाएगी ना. तो क्या होता है अगर यही वेरिएशन हुआ होता, अगर ठीक है उनमें कुछ जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज आता, उनमें कुछ नई क्वालिटी इम्प्रूव, नई जेनेटिक मटेरियल्स क्वालिटी इम्प्रूव होती उनमें आती, तो क्या होता दे कैन रेजिस्ट द हाई टेम्परेचर, ठीक है. तो उसमें क्या होगा जिनमें ये वाले थे जिनमें हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी तो वो तो डाई कर जाएंगे, दे विल डाई, बट द ऑर्गेनिज्म विच हैज द एबिलिटी टू टॉलरेट द हाई टेम्परेचर दे कैन सर्वाइव, दे विल सर्वाइव, है ना, ये सर्वाइव कर जाएंगे एंड देन दे विल गिव राइज टू द न्यू पॉपुलेशन, दे विल गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म एंड न्यू ऑफस्प्रिंग एंड दे विल अगेन हेल्पफुल इन कंटिन्यूटी ऑफ देयर लाइफ, ऑफ देयर एग्जिस्टेंस. अपनी स्पीसीज को फिर ये फॉर द नेक्स्ट जनरेशन दे विल हेल्पफुल इन कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीसीज, ठीक है. तो इसीलिए वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरिएशन होगा तो क्या होगा, देयर मे बी चांसेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, इन द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन. तो वेरिएशन इज बेसिकली इट इज हेल्पफुल इन ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन.
कंडीशंस, है ना। वेरिएशंस के चलते इन ऑर्गेनिजम्स में क्या हुआ, कुछ नई क्वालिटी आई, नई कैरेक्टरिस्टिक्स आई, एंड दे वर एबल टू टॉलरेट द हॉट हाई टेम्परेचर, ये सर्वाइव कर जाएंगे एंड दे विल देन दे विल रिप्रोड्यूस एंड गिव राइज टू देयर स्पीसीज एंड इन दिस वे दे विल हेल्प इन द कंटिन्यूएंस ऑफ द स्पीसीज, कंटिन्यूएंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ द स्पीसीज एज वेल एज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द एवोल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन।